भारतीय रेल के 90 वर्ष पूरे होने के लेकर के आज यहाँ एक मैच कर्नल सिंह स्टेडियम में खेला गया। इसमें हमारे साथ हैं जो मैच के आयोजक हैं, उनकी तरफ से डायरेक्टर साहब यहाँ पर हैं। मैं चाहता हूँ वो बताएं कि इस ट्रॉफी को रखने का उनके पीछे उद्देश्य। नमस्कार, आरएसटीवी को इस साल 2018 में 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे और थ्रू द ईयर हम लोगों ने कैलेंडर बनाया है कि अलग अलग चीज़ें, नॉर्मली तो इंटर रेलवे या नेशनल चैंपियनशिप पर रेलवे की टीम जाती रहती है, बट उसके अलावा भी इस साल को स्पेशल बनाने के लिए पूरा एक कैलेंडर प्लान किया गया था, जिसमें से रनिंग ट्रॉफी वॉज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स। और इसमें पहली बार हम लोगों ने आरएसपीवी कप कर दिया और ये जो सोच थी वो हमारे चेयरमैन की थी कि उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग इसमें करें, और आपने देखा होगा कि उन्होंने कोशिश भी की अपने जो स्टार स्पोर्ट्स पर्सन रहे पीछे से उन लोगों के लिए मीडिया में भी हम लोगों ने डाला है, कुछ कवरेज भी अच्छा हुआ है। तो वो सीआरबी साहब का ये कहना था कि आप लोग बढ़िया काम करते हो तो पता तो लगे, तो उसमें उन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड था कि आप लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट तो कम से कम करें और अपने साथ के डिपार्टमेंट जो हैं उनको आप इन्वॉल्व करें, उनके सपनों को आप साकार कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस में हम लोग चल रहे हैं। इस बार कितनी टीमें आपने? इस बार 6 है, इनॉग्रल एडिशन है तो 6 है, उसमें कस्टम्स है, आईएएस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तो इस तरीके से करके हम लोग इसको शुरुआती वो ले रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वी आर प्लानिंग टू हैव इट एज अ रनिंग। आज आपने पहला मैच यहाँ करवाया, पहला मैच मीडिया वर्सेस भारतीय रेलवे। जी जी, और मेरे को लगता है कि मेजबानों ने मेहमानों को दबोच लिया और मे द बेस्ट बी टीम विन। जी जी, और उसमें यह था कि टॉस जीता था इंडिया के कैप्टन ने, उन्होंने बैटिंग पहले। जी जी, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय बैट्समैनों ने वहाँ बैटिंग की, ऐसा लगा कि मेजबानों ने मेहमानों को दबोच लिया। हाँ, नहीं नहीं, वो बड़ा फ्रेंडली दबोचना है। मैं मीडिया टीम के कैप्टन से बात जाना चाहूंगा, वो बताएं कि आज उन्होंने टॉस जीता, किस इरादे से वो मिलेगा कैप्टन टीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं रेखा मैडम यादव को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तो बड़ी जो वायरस रखा है कि भाई और भी लोगों को जुड़े। सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के बाद रेलवे के बाहर के भी लोग इनसे जुड़े। मैं तो वैसे पर्सनली जानता हूं, लेकिन इन्होंने जो ये मैच के द्वारा और भी लोगों को और भी टीमों को जो जोड़ा है वो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं, और टीम का हार जीत का ये चलता रहता है, क्योंकि हमारे टाइम पे मैं ये मानूंगा एज ए कप्तान में हार भी स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन सुबह क्योंकि गीला विकेट था हमें थोड़ा सा परेशानी तो हुई थी। यही रन अगर हमारे 20-25 और होते फालतू तो शायद कोई परिणाम कुछ और भी होता, लेकिन बहुत अच्छा मैच हुआ और बड़ा ही फ्रेंडली एटमोसफेयर रहा। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके का सहयोग रेलवे डिपार्टमेंट से और हमारी तरफ से चला, इसके लिए मैं खासतौर पर रेखा मैडम को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। ये माना जाए कि ये आज मीडिया का दिन नहीं था, रेलवे का दिन था, और रेलवे ने जिस स्पीड से आज रेल चलाई उसी हिसाब से 127 रन के छोटे टारगेट को भी उन्होंने बड़े रूप से पूरी किया। मैं भारतीय रेलवे के जो कैप्टन है उनकी तरफ जाना चाहूँगा, सर किस तरीके से आज आपने जो ये मेहमान आए हुए थे आज उनको दबोच करके कैसे आप दबोचना नहीं करेंगे, मीडिया इलेवन ने टॉस जीते पहले बैटिंग ली तो हम लोगों ने अच्छी बॉलिंग करी, पहले 12 ओवर और इनके काफ़ी कम रन थे, 50-70 रन थे, लेकिन बाद में इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, बैटिंग दिखाई और 8 ओवर में 60-70 रन बनाए, जिससे 127 रन का हमें लक्ष्य मिला। तो हमारी शुरुआत अच्छी रही और हम लोग क्रिकेट खेले और 3 ओवर पहले बॉल में। आपकी जाबाजी को सराह मानते हैं कि आपने अच्छा मैच खेला और उसके बाद आगे भी आप खेलेंगे, उस मैच में उतनी बेहतरी रहेगी, लेकिन जिस हिसाब से आपने बैटिंग के एक लक्ष्य को लेकर चले आप 27 रन का टारगेट 20 ओवर के अंदर, और उसमें जब शुरुआत में आपकी भी थोड़ी सी धीमी रफ्तार थी लेकिन बाद में आपने जो टिक करके खेला, उसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी को रखी? हमें मालूम था कि स्कोर बहुत बड़ा नहीं है, अगर धीरे धीरे हम लोग लगातार खेलते रहेंगे तो स्कोर पर कर लेंगे। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर बहुत अच्छा मैच एक अच्छे माहौल में चल रहा है। हमारे रेखा यादव जी जो इसके आयोजन को लेकर चले हैं आज हमारे बीच में हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इसी तरीके से मैट में एक स्प्रिट एक सब चीज़ें इस तरह लेकर के चलें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।